वो आपका? मेरा नाम सोहेल खान हुआ। और कहाँ के रहने वाले हैं आप? पटना का रहने वाला। पटना के रहने वाले? यहाँ पे क्या सीखने आए थे आप? मैं एक्सकवेटर मशीन सीखने आया था। एक्सकवेटर मशीन सीखने आए थे। यहाँ पे आज आपका कितना दिन हो गया है? आज मेरा फाइनल डे है। फाइनल डे है? यस सर। तो आज आप मुझे फाइनल डे में क्या क्या काम करके दिखाने वाले हैं? आज मैं आपको फाइनल डे में आज जैसे हाइट जगह या रैंप से नीचे उतारना या रैंप पे चढ़ाना, ठीक है, आज मैं आपको करके दिखाऊंगा। रैंप से नीचे उतार के आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से उतरेगा। ऊपर चढ़ाना भी, ऊपर चढ़ा के भी दिखाएंगे। बहुत बड़ा, अगर आपने यहाँ पे परफेक्ट तरीके से नीचे उतार दिया और ऊपर चढ़ा दिया तो आप कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको दिखा दीजिए आप कि एक महीने में लड़के यहाँ पे सीखते या नहीं सीखते। नीचे उतारते समय किन किन बातों पे ध्यान रखना चाहिए और सबसे पहला वर्क क्या होना चाहिए, सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? पहला वर्क जब भी आप नीचे उतारेंगे सबसे पहले किस बात पे ध्यान देना चाहिए हमें? पहली बात तो हमें सामने की ओर देखना चाहिए, पहले हमारा मशीन सीधा होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारा आर्म को सही पोजीशन में रखे यानी जिस तरह आपका बॉकेट का पोजीशन है उस तरीके से हर जहां भी आप डाउनिंग में लेके जाएंगे आपका यही पोजीशन में रहना चाहिए, समझ गए ना, ताकि ज़्यादा मशीन रफ्तार में ना निकल जाए। पर देखिए इतना जो है हाइट से यहां पे मशीन को उतारेंगे और अभी देखेंगे कैसे उतारते हैं ये। आ जा, परफेक्टली बकेट यहां पे लगा दिया सही से। और ये देखिए काफ़ी मतलब मशीन तिरछा हो चुका है इनका, ये देखिए देखिए इस तरीके से आराम आराम से बिल्कुल जो है आपको आगे बढ़ना। आपने बहुत ही परफेक्टली किया है, डर तो नहीं लगा आपको? डर नहीं लग रहा? बहुत सारे लड़के डरते हैं यार, जाते हैं वहाँ पे तो हमें चलाना नहीं सिखाता मशीन सही से, खाली हमें खाली बूम चलाना सिखा दिया। क्या कहना है आपको? वैसा कोई बात नहीं, यहाँ पर हर एक काम जो आपको एक्सेलरेटर को इस लाइन में जो काम होता है हर एक चीज़ आपको बताया जाएगा, करके भी दिखाया जाएगा। हल्का सा दबाने के बाद जो है मशीन को सही पोजिशन में लगा लिए हैं। आप देखिए क्या करते हैं, आर्म को छोटा करना होता है बेसिकली, फर्स्ट वर्क आर्म को छोटा और मार्चिंग को आगे करना होता है। ये देखिए, ये देखिए टेलर पे चढ़ाओगे तो इस तरीके से पोजीशन आ जाएगा, ठीक है। वहाँ पे बहुत ही ध्यान से आपको स्विंग करना होता है, ज़रा से भी रफ्तार नहीं, यानी कि मतलब थोड़ा सा एक एक एमएम आपको स्विंग करना है। उसके बाद देखिए वहाँ पे इन्होंने स्विंग कर लिया परफेक्टली बिल्कुल। अब इनको जो है वहाँ पे बूम लगाना है, ये देखिए। अब बूम लगाने का भी मैं सही तरीका आपको बताऊंगा कि बूम कैसे लगाया जाता है। देखिए अभी आपका जो है इस तरह बकेट नहीं लगाना है, आपको बकेट हमेशा ऐसे लगाना है, ठीक है। देखिए फ्रेंड बिल्कुल आसानी से इन्होंने जो है मशीन को ऊपर कर लिया बहुत ही परफेक्ट तरीके से, ज़रा सा भी इनको जो है किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुँचा, ना मशीन को ना इनको, यानी कि बहुत ही परफेक्टली इनको जो है मैंने बताया और ये भी बहुत ही अच्छे तरीके से सोच समझ के करते हैं। तो जब भी मतलब मशीन हाइट पर चढ़ता है या टेलर पर चढ़ता है तो इस तरीके से उनको बताना पड़ता है और वो फिर बहुत ही आसानी से काम कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे चढ़ा लिए हैं अब कोई भी काम कर सकते हैं, यानी टेलर पर चढ़ाना प्लस और भी कोई रैंप पर चढ़ाना होगा वो आसानी से ये काम को कर सकते हैं। अभी जो आपने काम किया ये कैसा अनुभव मिला आपको? ये हमें ऐसा अनुभव मिला जो हमें हमेशा याद रहेगा और हर जगह पे ये अनुभव काम आएगा, ये हमेशा काम आएगा जी। बिल्कुल, आप जो है मैंने यहाँ पे उतारना और चढ़ाना बिल्कुल तरीके से बता दिया है। तो अगर आप लोगों को इसमें से कुछ सीख मिला होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप लोगों में से ये एक्सकवेटर मशीन का ट्रेनिंग लेना चाहते हैं बढ़िया तरीके से तो आप शहाबुद्दीन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट झारखंड हजारीबाग आकर के ट्रेनिंग ले सकते हैं हमारे ट्रेनिंग सेंटर में। डिस्प्ले पे जो नंबर है उस पर कॉल करें, जानकारी लें कि कहाँ आना है कैसे आना है, आपको पूरा डिटेल में जानकारी दिया जाएगा। बाकी यहाँ पे आप जेसी मशीन का भी ट्रेनिंग ले सकते हैं, फोरक्लिप का भी ले सकते हैं, लोडर मशीन का भी ट्रेनिंग हमारे यहाँ आकर के आप ले सकते हैं। तो अभी हम इनको काम देखेंगे, इन्होंने तो हमें यहाँ पर चढ़ा दिया और उतार भी दिया, आप देखेंगे इनका काम ये बूम बेसिकली किस तरीके से चलाते हैं, प्रकार का काम इन्होंने सीखा है यहाँ पर, और आप अगर आते हैं तो आपको भी सब तरह का काम सिखाया जाता है। ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं तो डिस्प्ले पे नंबर है उस पर कॉल करके जानकारी लें और हमारे यहाँ आए सीखें, कामयाब ऑपरेटर बने। अभी इनसे पूछते हैं कि क्या क्या काम सीखे हैं ये, थोड़ा सा रुकिएगा एक मिनट। बताएं आप कि अभी तो हमने वहाँ पे चढ़ा के दिखाया, बूम भी चला के दिखा रहे हैं, यहाँ पे आज आपका फाइनल है, क्या क्या काम सीखे हैं अभी तक आपने यहाँ पे? मैंने अभी तक
फर्स्ट दिन तो पंप चलाना कंट्रोलिंग सिखाता है, ठीक है। फिर उसके बाद मिट्टी फोड़ना, ठीक है, उसको सिखाता है। फिर पाइपलाइन चलाना सीखा, पाइपलाइन निकालना सीखा, यस सर, ठीक है, पाइपलाइन निकालना सीखा। फिर उसके बाद बॉक्स कटिंग निकालना सीखा, ठीक है। फिर फाउंडेशन निकालना सीखा, ठीक है। रैपिंग करना भी सीखा, रैपिंग करना सीखा। चैन को मार्चिंग करना, बूम से उठा के करना सीखा, ठीक है, यस। और नीचे उतारना भी सीखा, उतारना सीखा। यानी कि ऑलमोस्ट जितने भी प्रकार का काम होता है, मतलब साइडों में, यस सर, ऑलमोस्ट काम पूरा, ऑलमोस्ट आप काम सीख चुके हैं यहाँ, यस सर। और सभी को सिखा दिया कि आप ही को सिखाते हैं? सभी को सिखाया जाता है, यस सर, सभी को। ट्रेनिंग कैसा मिला आपको यहाँ पे, एक महीने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा मिला। किसी को अगर आना चाहता है पटना से, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप सब बेफिकर होकर यहाँ पे आ सकते हैं, बेफिकर होकर आप आराम से यहाँ पे आइए, डरने की बात नहीं, कोई डरने की बात नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट, काम कीजिए, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। तो फिर अगर आप लोग में कोई भी एक्सवेटर मशीन का ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, डिस्प्ले पे नंबर है, उस पर कॉल करके जानकारी लें और हमारे यहाँ सीखें, एक कामयाब ऑर्डर बनना। थैंक यू।